हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैथ की उस ब्रांच के ऊपर दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन इंडियन मैथमेटिक्स। ये वैदिक मैथ के नाम से जानी जाती है और ब्यूटी ऑफ दैट मेथड, इट इज अ वेरी फास्ट रिगार्डिंग द कैलकुलेशन। और इस मेथड का और इस मैथमेटिक्स का यूज करके सम टाइम्स यू कैन कैलकुलेट फास्टर देन कैलकुलेटर। आई रिपीट, फास्टर देन कैलकुलेटर। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, ये टॉपिक किसी क्लास के ऊपर बेस नहीं है, ये बेस है नॉर्मल कैलकुलेशन पे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेबल लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, राइट? हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देते हैं। हम आपको मेथड मल्टीप्लाई का वो मेथड बताने जा रहे हैं जो आप बहुत फास्टली कर सकते हैं और जिसकी प्रैक्टिस करने के बाद आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस फास्टर देन कैलकुलेटर यू कैन परफॉर्म। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस, और ये कैलकुलेशन है टू डिजिट मल्टीप्लाई की और दैट इज बेस्ड ऑन वैदिक मैथ सूत्र ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम। आई रिपीट, ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम। एक्चुअली ये सूत्र नहीं, ओके, इट डिफाइन द कैलकुलेशन, द प्रोसेस ऑफ द कैलकुलेशन। ये मेथड ऊर्ध्व और तिर्यकभ्याम दो डिफरेंट वर्ड्स को मिलकर बना है। ऊर्ध्व मतलब होता है वर्टिकली एंड तिर्यकभ्याम मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब हम इस मेथड के बारे में बात करेंगे, हाउ कैन वी मेक ए मल्टीप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट रॉट, आई हैव रिटन टू डिजिट नंबर। ये दो डिजिट नंबर है, आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है। अगेन, अगर ये दो डिजिट नंबर है और हमें मल्टीप्लाई करना है तो टू डिजिट के मल्टीप्लाई को वी कैन परफॉर्म 1-to-1 मेथड से हम परफॉर्म करेंगे। अगर ये आपके पास टू डिजिट नंबर है, वी कैन गो फॉर 1-to-1। इस मेथड को शॉर्ट फॉर्म में 1-to-1 भी कहा जाता है। व्हाट्स द मीन ऑफ 1? 1 का मतलब होता है कि एक डिजिट का मल्टीप्लाई, 2 का मतलब होता है 2 डिजिट्स का, एंड अगेन 1 का मतलब होता है 1 डिजिट का। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, सो लुक, 1 का मतलब होगा फर्स्ट 5 into 2, that means ये 1-1 digit का multiply, it is 5 into 2, is that clear? Now 2 का मतलब होता है that is a vertically multiply directly. Now we are just making a cross multiply, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2 को इस 2 से multiply करना है और again इस 6 को 5 से, and we have to make the addition, that means 2 into 2 plus 6 into 5। आपको 1 डिजिट का मल्टीप्लाई किया, देन आपने 2 डिजिट का किया, 2 डिजिट में यू जस्ट मेड अ क्रॉस मल्टीप्लाई और उसे ऐड कर दिया, अगेन 1 करेंगे। व्हाई? बिकॉज़ हमारे मेथड का नाम ही 1-to-1 है। सो 1 दैट मींस 1 डिजिट का मल्टीप्लाई, 2 दैट मींस मेक अ क्रॉस मल्टीप्लाई, अगेन 1 दैट मींस 6 into 2। अब हम इसे स्लैश इसलिए कर रहे हैं, दीस आर द सेपरेट पार्ट। नाउ 5 into 2, 10, 2 to 4 and plus 6 into 5, 30. Now 6 into 2, 12, so 12, 34 and 10. ये करने के बाद we have to write the single last digit, that means इस 0 को हमें यहाँ write करना है, इस 1 को 34 के साथ add करना है, we'll get 35. तो 35 का 5 हम यहाँ write करेंगे, 3 यहाँ add कर देंगे, 12 plus 3, that will be 15. So what will be our answer? 1550. हो सकता है, when you make the practice of that one, जब आप इसकी practice करेंगे, तो you can solve it faster than calculator also, just like. अब अगर हमें ये form इस तरीके से दे रखी हो, क्योंकि बहुत बार question इस form में नहीं आके, इस form में आता है, then how can we solve? We have to follow the same method. First, आपको दोनों outer part को multiply करना है. That means 5 into 2. Now, अब आपको क्या करना है? इस outer को, इस 2 को, इस 2 से multiply करना है. Then इस 5 को 5 से, sorry, 5 को 6 से, and again 2 into 6. That means आपको first 5 को 2 से multiply करना है. After that इस 2 को 2 से and plus 5 into 6 and again 2 into 6. In that situation, you will get same calculation, 10, 30, 5, 6, 30 and 4, 34, and again 12, 0, 1 will be here, 30. Now, I'm just giving you one more example, but in that example, hum thoda sa calculations ko fast karenge, steps ko reduce karenge. Now, first of all, again, 79 multiplied by 82. So, what should I do? First of all, we have to make the multiply 9 into 2, 18.
Is that clear? Now, 7 into 2, that will be 14. 9 into 8, 8 9 ja 72. And 7 into 8, 56. Now, after that, it will be 18. 4 and 2, 6. 1 and 7, 8. And 56. Now, what should I do? I'll just write 8 here. 1, I should make addition. 86 plus 1, 87. Again, 8 here. 56 plus 8, 64. So, what will be the answer? 6, 4, 7, 8. If you want to make it multiply using this pattern, in this pattern, you also do the same thing. First of all, 9 into 2 again, 18. अब आपको जब 9 into 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, इन सेकंड स्टेप आपको 7 into 2 करना है और 9 into 8 करना है. 7 into 2 14 and 9 into 8 72. और अगेन थर्ड स्टेप में इस 7 को इस 8 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 56. अगेन 18, दैट विल बी 86 and 56. अगेन 8 हियर, 1 शुड बी एडेड हियर, 87. 8 should be added here, 64. Again, we are getting the same answer. Now, thing is that, aap kisi bhi method se calculation karo, chahe this form or either this one, you will get the same answer. Again, aapko two digit ke multiply mein 1-to-1 method ka use karna hai. But thing is that, how can we improve our practice? So, for that, you have to write 10 questions and you have to get the solution. According to time, आपको 10 questions write करने हैं, ऐसे different kind of multiply और उनको solve करना है. आपको हो सकता है first time में you just take 5 minutes, 7 minutes or 10 minutes also. But next time जब आप इसको practice करो, it must be reduce the time. That means उसमें time कम होना चाहिए. अगर आप daily half an hour इस चीज को देते हैं, I'm definitely sure you can reduce the time and you can reduce your phobia regarding mathematics also. Because ये starting है, अगर आपने digits से love करना सीख लिया, if you will be familiar with the digit, math is no burden for you. So just go that one. Again, after this one, I'm just going to tell you the 3-digit multiply also. Okay.